नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप तक के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आपको तारीख याद होगी, वो तारीख थी 8 जून जब दिशा सल्यान की मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु को समायोजित तरीके से की गई हत्या को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। और यह सब किसी और राज्य की पुलिस सरकार ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे अच्छी पुलिस, न केवल महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश की सबसे अच्छी पुलिस कही जाने वाली महाराष्ट्र की पुलिस ने इस सच्चाई को काले बादलों के अंधेरे में डाल दिया था। लेकिन कहते हैं ना, वो बिजली क्या जो काले बादलों को उसका सीना चीर करके बाहर ना आए, वो सत्य किया जो सत्य की काली चादरों को फाड़ करके बाहर ना आ जाए। ठीक वैसा ही हुआ। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, दिशा के मरने की तारीख, उसकी आत्महत्या को हत्या किसने साबित किया, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ पूरे देश में दो अफवाहें समयोचित तरीके से फैलाई गई। पहले ये कि दिशा सल्यान ने आत्महत्या कर लिया, चौदह माले से कूद करके अपनी जान दे दी। और दूसरी सबसे बड़ी अफवाह ये कि दिशा सल्यान का सूरज पंचोली से कोई संबंध नहीं था। दिशा सल्यान के जाने के बाद सूरज पंचोली को खूब ट्रॉल किया गया था। इतना ट्रॉल किया गया था कि सूरज पंचोली के कानों में यह बात पहुंची, लोग सूरज पंचोली को दिशा सल्यान के रिश्तों से जोड़कर देख रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि दिशा सल्यान सूरज पंचोली के बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन सूरज पंचोली को यह नामंजूर था और उसने चौदहवें माले से दिशा सल्यान को फेंक करके मार डाला। सूरज पंचोली के कानों में यह बात जाते ही उसने एक बयान दिया था, उसके सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी कभी झड़प नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ा झूठ उसने यह बोला कि वह दिशा सल्यान को जानता तक नहीं थे। एक बार मैं और दोहराता हूं, सूरज पंचोली ने अपने बयान में कहा था कि वह दिशा सल्यान को जानता तक नहीं है, लेकिन सूरज पंचोली की ये कही गई बातें बहुत कुछ बता देती है। सूरज पंचोली का यह कहना कि वह दिशा सल्यान को नहीं जानता है, तो एक फोटो वायरल है। इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि यह फोटो किसी पार्टी की है। इस फोटो को आप भी देखिए और जरा गौर से देखिएगा, दिशा सल्यान के साथ सूरज पंचोली की फोटो साफ नजर दिख रही है आपके सामने। इस फोटो को कोई भी देखकर कह सकता है कि सूरज पंचोली ने उस समय जो बयान दिया था यही कि वो दिशा सल्यान को नहीं जानता, वो सरासर सबसे बड़ा काला झूठ बोल रहा है। इस फोटो में साफ देखा जा सकता है कि सूरज पंचोली और दिशा सल्यान की फोटो किसी न किसी पार्टी की है और साफ दिख रही है कि दिशा सल्यान और सूरज पंचोली एक साथ दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इस रिलेशनशिप को केवल महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं, केवल सूरज पंचोली ने नहीं, बल्कि हमारे भारत की तमाम मीडिया पत्रकार ने इसको उस अंधकार में डाल दिया था जहां से इसको एक रोशनी की किरण भी नहीं मिल सकती। खैर, अब ये बात कर लेते हैं आखिर इस इतने बड़े बोले गए झूठ का अंजाम क्या हो रहा है। इसका अंजाम देखने को मिल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सुशांत सिंह राजपूत के केस कहीं ना कहीं दिशा सल्यान के केस से जुड़ा है। अभी हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा था कि दिशा सल्यान की फाइल जिसमें दिशा सल्यान के केस से जुड़े सारे एविडेंसेस थे, उसके उसमें नाम थे, जिस रात उनकी जो मृत्यु हुई थी और उसी फाइल के सुशांत सिंह राजपूत के केस की मिस्ट्री खुलती है, और इसलिए दिशा सल्यान की फाइल आज उतनी ही जरूरी है जितना कि खाने में नमक जरूरी होता है। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करें तो सुशांत सिंह के केस को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की पुलिस एक्सचेंज करके केंद्र की सबसे बड़ी जो जांच पुलिस एजेंसी है सीबीआई, उसको ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन अब भी ये सोचने वाली बात कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सरकार ने उस एविडेंस को, उस सबूत को छिपाया है जो अभी तक आपको मैंने बताया है, यही कि सूरज पंचोली ने यह कहा था कि वह दिशा सल्यान को नहीं जानता, जानता तक नहीं है, जबकि दिशा सल्यान के साथ होने के सबूत आज आपके सामने हैं। और ना इस बात को महाराष्ट्र सरकार ने, न बिहार सरकार ने, न मीडिया सरकार ने, जो मीडिया पत्र समाचार पत्र हैं, न उसको इसके सामने लगाया। और ये जो केस है दिशा सल्यान को नहीं जानने वाला, जबकि सूरज पंचोली ने सबसे बड़ा झूठ बोला, ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं इस केस में बहुत बड़ा झोल है। सूरज पंचोली को अभी तक सामने लाना चाहिए था महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तमाम जो दिग्गज हैं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं लाया। जिस केस में 13 जून को सुशांत सूरज पंचोली की एक होम पार्टी थी, अभी भी सामने खुलकर सामने एविडेंस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नारायण राणे ने यहां तक खुल के कह दिया कि इस केस में बहुत बड़ा झोल है और 13 जून को एक पार्टी हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारायण राणे ने कहा है, महाराष्ट्र और भाजपा से संबंधित पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन अभी भी इस केस से जुड़े हुए सारे एविडेंस सामने नहीं आ रहे हैं।
केंद्र सरकार ने इस पर भी, अब केंद्र सरकार हालांकि सीबीआई इसकी जांच करेगी, लेकिन इस फोटो को अभी भी वायरल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और ये वायरल जैसे ही वायरल होता है, वैसे इस सूरज पंचोली का जो झूठ है वो सबके सामने आ जाएगा। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, मीडिया को पता चले, सरकार को पता चले और सभी लोगों को पता चले। ज़रूरी है कि सीबीआई को पता चले। और मिलेंगे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।